फाइंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट थ्री पॉइंट जो कि 3 0 -2 -2 और 8 2 ये कोलिनियर है। तो एक नई तरीके से करना है। तो इससे पहले आप ये बताओ आपको जो दो तरीके पता है वो कौन से? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक पैरेलल लाइन वाला स्लोप एक तो ये है कि तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आता है इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, वो तीनों एक ही लाइन में बन रहे हैं, कोलिनियर है। दूसरा मैंने बताया था एबी का स्लोप निकालो, एबीसी मान लो तीनों पॉइंट को या पी क्यू आर कुछ भी मान लो, एबी का स्लोप निकालो और बीसी का निकालो, दोनों का स्लोप अगर सेम आता है इसका मतलब एबी और बीसी पैरेलल है। अब पैरेलल एक तो ऐसे वाले पैरेलल भी होते हैं, एक ऐसे वाले पैरेलल, ऐसे वाले हो नहीं सकते क्योंकि बी दोनों में आ रहा है, और बी दोनों में तो अलग अलग लाइन कैसे होंगी, तो वो ऐसे होगी एबी बीसी। तो दूसरा ये कॉन्सेप्ट था, दोनों आप कर चुके हो। अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट निकालो। तो तीन पॉइंट दिए हैं, तीन पॉइंट क्या है ये बताओ। पहला पॉइंट क्या है? 3 0 3 0। दूसरा क्या है? -2 -2। तीसरा पॉइंट क्या है? 8 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो तीनों एक लाइन पे पड़ेंगे, और लाइन चाहे कितनी भी लंबी चली जाए इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। एक लाइन के ऊपर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं और सारे उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं कहूँ इस लाइन की इक्वेशन, सपोज ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे इसकी इक्वेशन ये है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो अगर ये इसकी इक्वेशन है तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो भी सेटिस्फाई। इस लाइन को आगे बढ़ा दो जितने हजारों पॉइंट आने वाले हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो दो की हेल्प से और तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब तीसरा पॉइंट उसी लाइन में पड़ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट खोले जा रहे हैं। तो किन्हीं दो पॉइंट को एज्यूम करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो मान लो हम ए और बी को यूज करके इक्वेशन निकालेंगे, तो टू पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, इसमें दो पॉइंट यूज कर रहे हैं ए एंड बी, तो दो पॉइंट यूज हो रहे थे फॉर्मूला, पॉइंट वाला टू पॉइंट वाला वाई माइनस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू जीरो ठीक है। तो वाई माइनस जीरो वाई हो गया, माइनस टू अपॉन माइनस फाइव टू बाई फाइव हो जाएगा, और एक्स माइनस थ्री फाइव को इधर ले आओ, फाइव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, तो टू एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स। ये आई इक्वेशन ऑफ लाइन, इस पूरी लाइन की इक्वेशन आएगी और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये जो तीसरा पॉइंट में लिखा है सही, वैसे तो हम बना रहे लाइन पे ही तो प्रूव करना है, पर अगर लाइन पे ही है तो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग सी इन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन और सी की कोऑर्डिनेट है क्या? 8, 2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो LHS देखो, LHS में x वाई रखो तो 6 आना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स कितना है? 8। 5 इंटू वाई कितना है? 2। 16 माइनस 10 6, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पॉइंट इन दोनों से जो इक्वेशन निकाली थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी उसी लाइन में पड़ रहा है जिसपे ये दोनों पड़ रहे हैं, इसलिए ए बी एंड सी आर। तो ये हुआ कोलिनियर प्रूव करने का तीसरा तरीका, समझ में आ रहा है? तीन तरीके हो गए और भी कुछ तरीके।